हे एवरी वन अ वेरी वॉम वेलकम टू इंग्लिश इंग्लिश आज के वीडियो में मैं आपके सामने कुछ इंग्लिश न्यूज़ पेपर से चुने हुए सेंटेंसेस पेश कर रहा हूँ सारे सेंटेंसेस वे हैं जो बार बार न्यूज़ पेपर में आपको पढ़ने को मिलते हैं मेरा ये हमेशा मानना है कि इंग्लिश न्यूज़ पेपर इंग्लिश सीखने का सबसे आसान और इफ़ेक्टिव तरीका है शुरुआत में आप लोकल न्यूज़ या बॉलीवुड से जुड़ी न्यूज़ पढ़ सकते हैं क्योंकि आपको कंपेरेटिवली आसान इंग्लिश पढ़ने को मिलेगी लेकिन इस प्रकार की इंग्लिश पढ़ने के लिए भी आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए नाउ विदाउट मेकिंग यू वेट एनी फर्दर लेट्स गेट गोइंग एंड हियर कम्स द फर्स्ट सेंटेंस ऑन योर स्क्रीन सम पीपल हैव बीन चार्ज्ड विद रॉयटिंग। सम पीपल हैव बीन चार्ज विद रॉयटिंग कुछ लोगों पर दंगा करने का आरोप लगाया गया है ये परफेक्ट टेंस का वाक्य है लेकिन पैसे वॉयस में न्यूज़पेपर में पैसे वॉयस का यूज़ बहुत होता है रॉयटिंग यानी दंगा चार्ज यानी आरोप लगाना और इसके बाद प्रपोजिशन विद का प्रयोग होता है द क्राउड ग्रू टू अराउंड फिफ्टी पीपल द क्राउड ग्रू टू अराउंड फिफ्टी पीपल भीड़ लगभग पचास लोगों की हो गई ग्रू ग्रो की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है अराउंड यानी लगभग द पुलिस डिस्पर्स द क्राउड द पुलिस डिस्पर्स द क्राउड पुलिस ने भीड़ को तितर बितर कर दिया डिस्पर्स करना यानी तितर बितर कर देना तापसी वन द हार्ट ऑफ द ऑडियंस विद हर परफॉर्मेंस तापसी वन दार्ट्स ऑफ द ऑडियंस विद हर परफॉर्मेंस तापसी ने अपने प्रदर्शन से दर्शकों के दिलों को जीता तापसी एक बहुत फेमस एक्ट्रेस हैं वन विन की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है परफॉर्मेंस यानी प्रदर्शन यानी जो कलाकारी उन्होंने की पीपल कीप टॉकिंग अबाउट नेपोटिज़म पीपल कीप टॉकिंग अबाउट नेपोटिज़्म लोग भाई भतीजावाद की बात करते रहते हैं आजकल नेपोटिज्म, यानी भाई भतीजावाद यानी अपने रिलेटिव्स को प्रेफरेंस देने का मुद्दा जोरों से चर्चा में है ही इज़ डिटर्मिन टू गो अबाउट हिज़ लाइफ ही इज़ डिटर्मिन टू गो अबाउट हिज़ लाइफ उनका अपनी आम जिंदगी को जीने का पक्का इरादा है ये सेंटेंस संजय दत्त के कैंसर से पीड़ित होने से रिलेटेड है डिटर्मिंड यानी पक्का इरादा होना या करना गो अबाउट वंस लाइफ यानी जिंदगी को नॉर्मल तरीके से जीना ये एक बहुत कॉमन फ्रेज है अ बेबी वॉज स्टोलन फ्रॉम अ हॉस्पिटल सून आफ्टर हिज बर्थ अ बेबी वॉज स्टोलन फ्रॉम अ हॉस्पिटल सून आफ्टर हिज बर्थ एक बच्चा उसके जन्म के तुरंत बाद एक अस्पताल से चुराया गया ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है पैसिव वॉइस में स्टोलन स्टील की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है पुलिस कमिश्नर अनुज शर्मा एक्सप्रेस्ड ग्रीफ ओवर हिज डिमाइज पुलिस कमिश्नर अनुज शर्मा एक्सप्रेस्ड ग्रीफ ओवर हिज डिमाइज पुलिस कमिश्नर अनुज शर्मा ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया एक्सप्रेस करना यानी व्यक्त करना ग्रीफ यानी दुख डिमाइज यानी मृत्यु या निधन न्यूज़पेपर पढ़ने से आपकी वोकेबलरी बहुत अच्छी हो जाएगी टू माइनर्स हैड डाइड आफ्टर अ रूफ कोलैप्स ड्यू टू हैवी रेन टू माइनर्स हैड डाइड आफ्टर अ रूफ कोलैप्स ड्यू टू हैवी रेन दो नाबालिगों की मौत तेज बारिश के कारण छत गिरने या ढहने से हो गई कोलैप्स यानी ढह जाना ड्यू टू यानी के कारण द परफॉर्मेंस सीम्ड डिसअपॉइंटिंग द परफॉर्मेंस सीम्ड डिसअपॉइंटिंग प्रदर्शन निराशाजनक लगा सीम्ड यानी लगा डिसअपॉइंटिंग यानी निराशाजनक इस वाक्य से लगातार आने वाले फाइव सेंटेंसेस एक स्मॉल पैराग्राफ का पार्ट हैं अ नर्स एंड हर थ्री ईयर ओल्ड डॉटर ब्रोक डाउन इन टीयर्स अ नर्स एंड हर थ्री ईयर ओल्ड डॉटर ब्रोक डाउन इन टीयर्स एक नर्स और उसकी तीन साल की बेटी खूब रोए ब्रोक डाउन इन टीयर्स यानी ऐसा रोए कि आंसुओं का सैलाब लगे दे ब्रोक डाउन in अपॉन सींग seeing ईच अदर आफ्टर टेन डेज दे ब्रोक डाउन in अपॉन सींग seeing ईच अदर आफ्टर टेन डेज वे दस दिनों के बाद एक दूसरे को देख कर फूट फूट कर रोए अपॉन सींग यानी देखने के बाद द चाइल्ड फादर टुक हर टू द हॉस्पिटल टू सी हर मदर फ्रॉम अ Distance. The child's father took her to the hospital to see her mother from a distance. बच्चे का पिता उसे उसकी माँ को दूर से देखने के लिए अस्पताल ले गया टू टेक की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है ऑन सींग हर मदर द चाइल्ड स्टार्टेड कॉलिंग आउट टू हर ऑन सींग हर मदर द चाइल्ड Started calling out to her, अपनी माँ को देखने पर बच्चा उसे पुकारने लगा Call out यानी पुकारना Both of them got very emotional and broke down. Both of them got very emotional and broke down. दोनों बहुत भावुक हो गए और रोने लगे इमोशनल यानी भावुक ब्रोकडाउन यानी रोने लगे यानी अपनी भावनाओं पर काबू न रख सके द चीफ मिनिस्टर सेड ही विल प्रोवाइड ऑल पॉसिबल असिस्टेंस टू राजूज फैमिली द चीफ मिनिस्टर सेड ही विल प्रोवाइड ऑल पॉसिबल असिस्टेंस टू राजूज फैमिली मुख्यमंत्री ने कहा वह राजू के परिवार को हर संभव सहायता देंगे प्रोवाइड करना यानी देना पॉसिबल यानी संभव Assistance any sahita ya madad. Friends, I sincerely hope that the video was of some help to you all and you got an opportunity to learn something new. If you happen to like this video, please don't hesitate to like and share the video so that more and more people may be benefited to learn English through this completely free channel. It's time for me to take leave of you with the promise that I would soon catch you in my next video. Until then, take care. Bye, friends.